ग्यारहवीं शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है जिसमें गौसे पाक के फ्यूज़ो बरकात से हम सब अपने दामनों को पुर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गौसे पाक के मुबारक नामों का एक वजीफा बताऊंगा जो ग्यारहवीं शब का वजीफा है, यानी 10 तारीख की रात में इस वजीफे को किया जाता है। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल इसलिए कि ये गौसे पाक का वजीफा है और गौसे पाक के मुबारक नामों का वजीफा है। और आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर कीजिए 11 तारीख से पहले कि वीडियो हर मुसलमान भाई बहन तक पहुंच जाए, ताकि जिस तरह हम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इसी तरह दूसरा हमारा भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आप खुद इस वजीफे को करेंगे तो आपको इसका अजर मिलेगा ही, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरा अगर इस वजीफे को करेगा तो उसको भी इसका सवाब मिलेगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 11 तारीख से पहले सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो पहले आप इस मुबारक वजीफे की फजीलत सुनिए। जो कोई भी इस मुबारक वजीफे को करता है वो सारा साल मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहता है। वजीफा है गौसे पाक के मुबारक नामों का। हुजूर गौसे पाक के 11 नाम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको नाम आसानी से समझ में आ सकें इसलिए इन नामों को दोनों भाषाओं अरबी और हिंदी में लिख दिया गया है। आप इन नामों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ये गौसे पाक के 11 नाम हैं: सैयद मुहीउद्दीन सुल्तान, मुहीउद्दीन कुतुब, मुहीउद्दीन ख्वाजा, मुहीउद्दीन मखदूम, मुहीउद्दीन वली, मुहीउद्दीन बादशाह, मुहीउद्दीन शेख, मुहीउद्दीन मौलाना, मुहीउद्दीन गौस, मुहीउद्दीन खलील और मुहीउद्दीन। ये गौसे पाक के मुबारक 11 नाम हैं जिसका वजीफ़ा आपको करना है। इस वजीफे को करने का तरीका यह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर गौसे पाक के इन मुबारक 11 नामों को पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 11 खजूरों पर दम करना है और बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूरों को खा लेना है। यह है मुकम्मल इस वजीफे को पढ़ने का तरीका। तो जो कोई भी इस वजीफे को करेगा वो सारा साल परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रहेगा। याद रहे, आपको ये वजीफा 11वीं शब यानी 10 तारीख की रात में करना है। और अगर इस वजीफे से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।